हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सारे और कैसे चल रही है आप सबकी वेट लॉस जर्नी? सो आज मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगी. ऑलमोस्ट वैसे तो मैं जितने हो सके आपके कमेंट्स के, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उन सबके मैं रिप्लाई करती हूँ. सो आपकी अगर एक्स्ट्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो मैंने सोचा कि उन आज की वनडे सेशन लिया जाए. ऑलमोस्ट हर चीज़ के रिगार्डिंग मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, उस सब चीज़ की मैंने ऑलमोस्ट वीडियोस बनाई हुई हैं. बट बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा चलो एक आज की वन ये सेशन लेते हैं और आप सबकी क्वेरीज को दूर करते हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी रोटी लेनी हमें चाहिए? रोटी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू वेदर. जैसे आपका वेदर है, जैसे अभी कुछ सिटीज में विंटर स्टार्ट हो गई है, तो आप बाजरे की रोटी ले सकते हो. और अगर बाजरा की रोटी अगर नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा बीच में गेहूं मिक्स करके आप ले सकते हो ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए. हाँ, अब कुछ लोग पूछते हैं मक्की की रोटी खा सकते हैं? यस, यू कैन ईट मक्की की रोटी. इन पोर्शन आप ले सकते हो, वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार आप मक्की की रोटी आराम से खा सकते हो. सेकेंड थिंग इज राइस खा सकते हैं, व्हाइट खा सकते हैं, ब्राउन खा सकते हैं. मेन थिंग इज पोर्शन कंट्रोल. हर चीज में पोर्शन का, आपकी कैलोरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप राइस खा सकते हो, व्हाइट राइस भी खा सकते हो, ब्राउन राइस भी खा सकते हो. इन पोर्शन आप मेरी पैलेट्स में देखो, जैसे मैं अपने लंच में डिनर की पैलेट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मील शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हो. हर चीज को पोर्शन में होता है और प्रोटीन मेरा ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग भी अपना मील्स को ऐसे डिवाइड करके ले सकते हो. थर्ड थिंग इज स्किन को ग्लोइंग करने के लिए क्या करें. स्किन को ग्लोइंग करने के लिए सबसे अच्छी चीज है आपके घर का खाना. न्यूट्रिशन रिच फूड आपका होना चाहिए. आयरन के बर्तन में आप लोग खाना बनाएं. अपनी डाइट में सीड्स को, ड्राई फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, जूसेस को, स्मूदीज को इंक्लूड करें. प्रोटीन रिच आपके मील्स होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों मील्स में आपका प्रोटीन जरूर होना चाहिए. इसके अलावा आपने पोटाशियम अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें. कैश्यू नट्स हाई इन पोटाशियम होते हैं, बनाना होता है तो वो लें. वाइटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी स्किन के लिए, तो वाइटामिन सी रिच जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं तो उनको जरूर इंक्लूड कीजिए. पाइनएप्पल, कीवी, गुआवा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. ओके, सो हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या किया जाए? हेयर फॉल जेनेटिक हो सकता है. हेयर फॉल का रीजन हो सकता है कि जैसे आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी. ऊपर से ऑयल लगाने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा ऊपर से ऑयल लगाने से, क्योंकि जब तक आप अंदर की डेफिशिएंसी क्योर नहीं करोगे, तो ऊपर से आप चाहे स्किन पे कुछ लगाओ, हेयर्स पे कुछ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब तक अंदर अच्छा नहीं डालोगे, तब तक बाहर कैसे दिखेगा भाई? बाहर दिखेगा भी तो वो टेम्परेरी दिखने वाला है. सो किसी भी चीजों पे पैसे खर्चने के बजाय अपनी बॉडी के अंदर अच्छा खाना डालो ताकि आपको फर्क दिखे. सो हेयर फॉल के रीजंस क्या हो सकते हैं? जेनेटिक हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी कम हो सकता है, आयरन कम हो सकता है, प्रोटीन कम हो सकता है. तो ये सारी चीजों का आप देखो, अगर कुछ डेफिशिएंसी है तो उसके अकॉर्डिंग फ्रूट्स लेने आप लोग शुरू कीजिए, फूड लेना शुरू कीजिए. या आपकी दवाइयां बहुत ज्यादा चल रही है उसकी वजह से भी हो सकता है. आप केयर बिल्कुल नहीं करते हो, हॉर्मोनल इश्यू है, थायराइड है, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं. तो उसके लिए आप लोग कोकोनट ऑयल जो आता है उसमें आंवला, कड़ी पत्ता डाल के, मेथी दाना डाल के, कलौंजी के सीड्स डाल के अच्छे से बॉईल करें और उसका हेयर ऑयल लगाएं. बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 6 महीने तक कंटिन्यू करके देखना. प्रोटीन को ईच पार्ट में आप लोग इंक्लूड कीजिए. आयरन का सप्लीमेंट लेना शुरू करो, आयरन चेक करो अगर कम है. बीट रूट, एप्पल, आंवला, अनार, ये सारी चीजें इंक्लूड कीजिए. ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग करिए, उसके बाद योगा करें, वो बहुत अच्छा है. तो ये सारी चीजों को इंक्लूड करें. पानी का इंटेक कैसे कंप्लीट करें? 3 लीटर पानी पिया नहीं जाता, 12 ग्लासेस. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा टाइमिंग जो है, मतलब टेक्निक है पानी पीने का, आप इसको कर सकते हो, जो मैं भी करती हूँ, जो मैं सबको बोलती हूँ आपको ऐसा करना चाहिए. सुबह उठ के 2 गिलास पानी आपको पीने ही पीने हैं. खाने के 40 मिनट पहले, खाने के 40 मिनट के बाद पानी पिए, बहुत अच्छा है. आप 3 मील लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 6 गिलास आपके ऐसे हो गए, और सुबह उठ के 2 पियोगे तो 8 गिलास हो गए. ओके, इसके अलावा आपको क्या करना, नहाने के 15 मिनट पहले पानी जरूर पिए. ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, वैसे भी बहुत अच्छा होता है पीना. तो 9 ग्लासेस पानी तो आपके ऐसे ही हो गए. और जब भी बीच में प्यास लगे तो सिप सिप करके पिए, तो 11 से 12 गिलास पानी आपके कंप्लीट हो जाएगा. 7 से 8 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है, सिप सिप करके पानी पिए. ओके, सो सब्जियां जो होती हैं,
कि वेजिटेबल्स हमें कुक लेनी है या फिर रो लेनी है, क्वेश्चन ये भी था। वेजिटेबल आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, बट मेक श्योर आपकी जो पैलेट है उसका हाफ पोर्शन आपकी सब्जियों का होना चाहिए, एज ए सैलेड फॉर्म, एज ए सॉटेड फॉर्म, एज ए ग्रिल्ड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोटीन को इस पार्ट में इंक्लूड करना है, प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन आपके हेयर से लेके आपके नेल्स तक, पैरों के नेल्स तक, हर चीज के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्रोटीन के सोर्सेज हैं हमारा एग, टोफू, पनीर, चिकन, मटन, इसके अलावा आपकी दाल, जितनी भी दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, चना है, स्प्राउट्स हैं, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो आप तीनों मील्स में डिवाइड कर सकते हो। आप प्रोटीन पूछा था किसी ने कैसे डिवाइड करें, प्रोटीन डिवाइड करने के लिए सुबह में जैसे आप ले सकते हो ओट्स का चीला विथ, साथ में आप पनीर और सब्जियां ले सकते हो। लंच में राजमा के साथ चावल, राजमा के साथ रोटी इन पोर्शन। डिनर में आप दाल का चीला, दाल का सूप, खूब सारी सब्जियां डाल के बना सकते हो। सो बहुत सारी वेरिएशंस में आप लोग प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हो। प्रोटीन को कैसे इंक्लूड करना है आप उसके लिए मेरा नवंबर का डाइट प्लान, एवरी मंथ में आपके साथ प्लान शेयर करती हूँ जिससे आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी अच्छी कर सको। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है और 3 से 4 फॉलोअर्स हैं मेरे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया है। एक का तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, 3 का और मेरे पास है, मैं वो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, मेरा वजन 117 केजी है, मुझे 90 तक आना है, कैसे हो? फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं सब कुछ बताती हूँ कि आपको वेट लॉस कैसे करना है। तो आप लोग उन सारी वीडियोस को फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं राकेश जी। इसके अलावा था पिगमेंटेशन है, डार्क नेक है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको कैसे दूर करूं, कोई क्रीम या कोई मेडिसिन है? देखो, जब आपके बॉडी में इंटरनल से डेफिशिएंसी है तो हमेशा एक याद रखो, अगर आप ऊपर से कुछ भी लगाओगे तो वो क्योर नहीं होने वाला है। आप अपने टेस्ट करवाइए, आप देखिए कोई बॉडी में डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपने खाने की रूटीन्स, अपने डेली शेड्यूल की जो आपकी रूटीन्स है, आपके लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स है, उनको चेंज कीजिए तो आपकी ये प्रॉब्लम्स क्योर होंगी। कंसिस्टेंट रहो, पेशेंस रखो, रिजल्ट मिलता है। कहते ना सबर का फल मीठा होता है, तो सबर रखना सीखो तभी फल मीठा मिलेगा। आप सोचो कि पेट से निकाल के सीधा ही फल मीठा हो जाए तो वो नहीं होता। अगर आप किसी के ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि एक महीने में वो लड़की ने 25 किलो कम किया तो ये पॉसिबल है? नहीं है। वो लड़की ने 25 किलो कम किया क्योंकि वो कंसिस्टेंट थी, उसने पेशेंस रखी, उसने दिल से फॉलो किया तो रिजल्ट मिला। सो अगर आप लोग भी पेशेंस रखोगे, दिल से फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डाइट प्लान के लिए अगर आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जैसे वीडियोस में आप हमारा कोई वीडियो फॉलो कर सकते हैं। रागी की रोटी आप 2 ले सकते हो। अब मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम आप 1 रोटी लेते हो तो हमें 2 ले सकते हैं। ऑफकोर्स डिपेंड जोन, आप कितनी कैलोरीज पूरे दिन में ले रही हो, ओके, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरा प्रोटीन इंटेक ज्यादा है, कार्ब्स मेरी कम है, सब्जियां मैं ज्यादा लेती हूँ, फ्रूट जूसेस नहीं लेती, मैं वेजिटेबल जूसेस लेती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपना प्लान खुद भी डिजाइन कर सकते हो, ओके। पेट अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो इसके लिए सब्जा सीड्स का पानी आप लोग ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग सब्जियों का इंटेक बढ़ाएं, वेजिटेबल जूस लें, रात को सोने से पहले 1 चम्मच देसी घी डाल के दूध पिए, नेक्स्ट डे पेट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नट्स एंड सीड्स अच्छे होते हैं तो क्या हम स्नैक्स पे तौर पे यूज कर सकते हैं? नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स होते हैं, वो सब चीजें अच्छी होती हैं, बट हर चीज अगर आप मॉडरेशन में लोगे तो ही अच्छी, अगर ज्यादा लोगे तो उससे वेट लॉस भी नहीं होता। अगर बोलो वेट लॉस सिर्फ होता है आपकी डाइट से, अगर वो भी आप कैलोरीज के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करके लेते हो, ओके, तो आपका वेट लॉस होता है। अगर आप ऐसे ही किसी का प्लान उठा के फॉलो करो कि उसका 6 किलो कम हुआ तो मेरा भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओके। उसके बाद था कि किसी ने पूछा था, मैंने एक सैलेड डाला था थोड़ी देर पहले, चना था उसमें, राजमा थे, ये सारी चीजें थी, कि वो सैलेड हम रात को ले सकते हैं। मैं सच बोलूं तो मैं राजमा, छोले, ये सारी चीजें जितनी भी हैवी होती हैं तो वो मैं रात में सुजेशन नहीं देती हूँ लेने का। अगर आपको ऐसा कोई भी सैलेड लेना है आप ब्रेकफास्ट में या लंच में ले सकते हो तो दैट्स गुड, ओके। डाइट प्लान मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, आप कोई भी प्लान मेरा अच्छे से फॉलो कर सकते हैं सुवर्णा जी, ओके। सो इसके अलावा आपके क्वेश्चंस थे मेरे पास कि जैसे रात को दूध पी सकती हैं, तो यस, आप रात को दूध पी सकते हैं, दूध पीना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा खसखस, थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छे से बॉइल करें। स्वीटनेस के लिए लिटिल बिट ऑफ डेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर, और उस दूध को अच्छे से बॉइल करके आप रात को पी सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप चाय में या कॉफी में शुगर डालते हो? नहीं,
मैं बहुत कम होता है कि मैं कभी शुगर जैगरी इस्तेमाल करूं। उस दिन मेरा बहुत ज्यादा मन था तो मैंने आप लोग के साथ जैगरी वाली चाय शेयर की थी, बट ऑलमोस्ट मेरी चाय या जो भी मैं लेती हूँ कॉफी उसमें मेरा स्टीविया ही यूज करती हूँ। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड शुगर है, जो पत्ता अगर आप डालते हो तो उस पत्ते से आपको चीनी का टेस्ट आता है। थोड़ा टेस्ट आप स्टार्टिंग में लेते हो तो थोड़ा सा टेस्ट आपको अजीब सा लगता है, बट धीरे धीरे जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। कितने फ्रूट्स पर डे ले सकते हैं? 2 फ्रूट्स पर डे आप लोग आराम से ले सकते हो। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिखे हुए हैं ताकि आपके रिप्लाई कर सकूं। 2 फ्रूट्स आप लोग पर डे ले सकते हो। फ्रूट्स लेने बहुत अच्छे होते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। खूब सारा फाइबर होता है, विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो जो भी आपके सिटी में सीजनल फ्रूट्स हैं उनको जरूर आप लोग इंक्लूड कीजिए। रागी की रोटी यस आप लोग ले सकते हो, आप बाजरे की रोटी भी ले सकते हो, आप ज्वार की रोटी भी ले सकते हो, आप जौ की रोटी भी ले सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन वेदर टू वेदर। अब जैसे मैं रागी की रोटी भी लेती हूँ, समटाइम्स मैं ज्वार की भी लेती हूँ, आप उसको चेंज कर करके भी ले सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ रागी ही खाना है, 365 डेज सिर्फ बाजरा ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे फ्लोर्स अपने घर पे रख सकते हो और सारे थोड़े 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 डेली का कभी बाजरे की रोटी ले ली, कभी ज्वार की रोटी ले ली, तो आप लोग ऐसे चेंज करके उसको ले सकते हो। किसी ने क्वेश्चन एक और किया था कि हम अगर लंच में रोटी ले रहे हैं तो रात में हम राइस ले सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर कैलोरीज। आप अगर आप हर चीज को मॉडरेशन में ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप रात में दाल चावल, लंच में एक रोटी सब्जी और मॉर्निंग में चीला आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन था कि हम फूड को कितनी देर तक फ्रिज में रख सकते हैं, क्या हमें मतलब जैसे कुछ लोग वर्किंग रहते हैं तो उनके लिए उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। आप जो अपना खाना बना रहे हो मेक श्योर वो फ्रेश हो। आप जो भी बनाओ उसको 3 से 4 घंटे तक फिनिश कर दो, उसको बहुत ज्यादा फ्रिज में रख के बार बार उसको गर्म ना करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो आपको क्या करना है उस फूड को फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं, वो बहुत अच्छा है, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो मेक श्योर वेट और फैट में क्या डिफरेंस है। आप क्यों बोलते हो, किसी का क्वेश्चन था कि फैट लॉस करना चाहिए वेट लॉस नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि वेट लॉस नहीं करना चाहिए, बट मेरा मेन फोकस होता है कि यू हैव टू गेन मसल, आपको मसल गेन करना। देखो, वेट इज जस्ट अ नंबर, सबसे बड़ी चीज ये है, वेट इज जस्ट अ नंबर। कोई भी डिटॉक्स डाइट, कोई भी क्रैश डाइट, कार्ब्स को बंद करो, वेट लॉस हो जाएगा बहुत आराम से, लेकिन जितनी जल्दी वो होने वाला है उतनी जल्दी वो बाउंस बैक या उससे डबल भी बाउंस बैक आने वाला है। बट अगर आप कंसिस्टेंट होके पेशेंस होके अपना फैट लॉस करते हो और उसको मसल में मसल गेन करोगे साथ में, तो वो आपका फैट परसेंटेज डाउन जाएगा, मींस आपकी फिगर में वो दिखेगा, जिसको बोलूं आपके कपड़ों में वो दिखेगा, आपके मसल का वेट बढ़ेगा। मशीन में चाहे ना दिखे, उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी बॉडी अच्छे टोनअप में आएगी, आपको कपड़े बहुत जल्दी फिट आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ पेशेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो, तो आपका फैट लॉस होगा। ओके, आई एम ऑल्सो वर्किंग, डिनर टाइम इज 9:30, इज इट ओके? नो, इट इज नॉट ओके, लास्ट से लास्ट 8 o'clock तक। हाउ टू डू डिटॉक्स डाइट? डिटॉक्स डाइट आप मेरी कोई भी फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत सारी डिटॉक्स डाइट प्लान आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप मेरी प्रोफाइल में जाके। एंड 65 है, मुझे 60 करना है। आप कोई टारगेट वेट मत कभी रखो कि मुझे अब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं खुद अपनी वेट लॉस चढ़ने पे हूँ, आप सबके साथ मील शेयर करती हूँ डेली, तो मैंने कोई टारगेट नहीं रखा है कि मुझे एक साल में, मुझे जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आई थिंक 79 से और अभी तक मैं 19.5 kg लॉस कर चुकी हूँ। मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था और अभी चल रहा है नवंबर का मंथ, बट मुझे ये नहीं था कि मुझे 6 महीने में 25 किलो कम करना है, नहीं। मैंने ध्यान रखा कि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, मुझे अपनी रूटीन पे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे पेशेंस रखनी है, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि मैं अगर मैं अपना वेट जो है वो 25 किलो 6 महीने में कम करने का टारगेट लेती तो मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी खाती तो मेरा बाउंस बैक भी आता। मैं सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूँ, अपनी रूटीन पे कंसिस्टेंट रहती हूँ। 15,000 से ऊपर मेरे स्टेप्स हो जाते हैं और जो स्टेप्स है वो मैं कहीं बाहर नहीं जाती, आप सबकी जितनी भी कॉलिंग्स आती है वो मैं सारी अपनी वॉकिंग पे लेती हूँ, चाहे मैं अपने ऑफिस में हूँ या घर पे हूँ, वो मैं सारी जितनी भी कॉलिंग्स मेरी बहुत ज्यादा रहती हैं, तो मैं सारी जो कॉलिंग्स है मैं सिर्फ और सिर्फ वॉक पे लेती हूँ। तो मतलब घर पे वॉक कर लिया, बाहर वॉक कर लिया या जहां भी हूँ, जितना ही मेरे से पॉसिबल, उससे मेरे काफी अच्छे स्टेप्स हो जाते हैं।
20 to 25 मिनट्स का योगा करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा रूटीन बनाओ। ये नहीं है कि मुझे, मेरा टारगेट है मैं 55 पे, बट मैंने कोई बेसिक नहीं रखा हुआ कि 6 महीने में हर, मतलब मैंने उसको लाइफस्टाइल बनाया है, पेशेंस रखी है और मुझे पता है उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा, मेरे इंच लॉस होगा और हुआ भी। आप लोग मेरी पहले की फोटोज देख सकते हो और अभी की देख सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा ये रूटीन आप लोग ऐसा ही रखो कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपनी जर्नी पे, पेशेंस रखनी है, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करो, अच्छी हैबिट्स को चेंज करो अपने अपने घर पे। जैसे मैं बोलती हूँ कि अपने किचन को क्लीन करो, हेल्दी चीजों को इंक्लूड कीजिए, डेली वर्कआउट कीजिए, डेली स्टेप्स को इंक्लूड कीजिए, अपनी स्किन को अच्छा करो, अपने हेयर्स को अच्छा करो, वो अच्छा खाना खाने से ही होने वाला है। ओके, कोई सप्लीमेंट या कुछ भी बाहर से लाने से, ऊपर लगाने से कुछ रिजल्ट मिले नहीं, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी सी लाइफस्टाइल की चीजें हैं। ब्लॉटिंग है, ये किसी ने क्वेश्चन था, तो ब्लॉटिंग के लिए जिंजर वाटर बहुत अच्छा है। ब्लॉटिंग होने का रीजन क्या है, बेसिकली कुछ लोग 2 मिनट में खाना खाते हैं, मैं सच में ऐसे लोगों को देखती हूँ, इतनी जल्दी उनकी स्पीड होती है खाना खाने की कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, तो उसके कारण आपको ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन या गट के रिगार्डिंग या डाइजेशन के रिगार्डिंग इश्यू आते हैं। सो मेक श्योर अपने खाने को अच्छे से च्यू करके आप लोग खाएं, बिना डिस्ट्रेक्शन टीवी में देखे हुए, बातें करते हुए, हमेशा नीचे बैठ के अगर पॉसिबल है लेग्स को फोल्ड करके अच्छे से चबाकर खाना खाएंगे, क्योंकि जो भी आप मेहनत कर रहे हो अपने खाने के लिए कर रहे हो, और खुशी खुशी खाओ, कभी ये नहीं कि मेरे मतलब का नहीं बना, जो भी मिला है उसको हाथ जोड़ के, मतलब जो भी आपको मिला है तो आपको दिल से थैंक यू करना चाहिए। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको तो खाना भी नसीब नहीं होता है। सो ऑलवेज हमेशा गॉड का थैंक यू करो, अपने खाने का, अपनी पैलेट का, और उसको खुशी से बनाओ, क्योंकि बनाने वाले का मूड भी बहुत डिपेंड करता है और खाने वाले का भी बहुत करता है। खुशी से खाओ और हमेशा खुश रहो। खुशी, खुश रहना एक बहुत अच्छी दवा है जो आपको फ्री में मिलती है और लोग उसको भूल गए। एक छोटा बच्चा जब हंसता है ना, कितनी बार दिन में हंसता है, अगर आप लोग भी उतनी बार पूरे दिन में हंसोगे ना, तो आपको लाइफ टाइम कोई बीमारी नहीं आने वाली है, सच में। और ऐसा आप कभी लाइफ में ला कर देखना। और जो लोग बहुत हंसते हैं ना, तो वो लोग उनको बोलना भी शुरू जाती है, पागल है तो क्यों हंस रहा है। तो जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं ना, तो दैट्स मीन यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन, क्योंकि लोग उसी को ही बोलते हैं जो बहुत खुश रहता है। तो हमेशा खुश रहना सीखिए और दूसरों को भी खुशियां बांटिए। अगर कोई इंसान दुखी है तो उन लोगों को भी खुशियां दें और खुशियां बांटें, और उनसे अगर वो कोई दुखी है तो उसको एक अच्छी से स्माइल दे और उसको बोलो कि नहीं, अगर आप हर चीज का सोल्यूशन एक स्माइल से करोगे ना, तो आपकी हर चीज की दवा, हर चीज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सच में एक स्माइल है, जो आपकी कितनी सारी बीमारियों को और प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। थैंक यू सो मच, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे टिप देते हो, आई लाइक इट। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो मेक श्योर ये सारी चीजें हैं। और आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं और भी देख लेती हूँ। मल्टीग्रेन रोटी खानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि आप लोग मल्टीग्रेन रोटी खाएं। ओके, सो इसके अलावा नमक आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट लेस सोल्ट, रात में बिल्कुल कम सोल्ट वाला खाना ही खाएं। क्या हम एक टाइम का मील स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर लीजिए। अपने खाने को मिस नहीं करना है, टाइमिंग पे लेना, एक टाइमिंग फिक्स करो। ब्रेकफास्ट 9 बजे है, लंच 2 बजे है, डिनर 7 बजे है, तो वो ही आप लोग लें। उस ऊपर नीचे मत करें, उससे आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। मेरी 6 घंटे की नींद होती है, नहीं आपको 7 से 8 घंटे प्रॉपर सोना ही सोना है, ठीक है। जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते हो ना, उस दिन आप अपने कैलोरीज का इंटेक थोड़ा सा कम भी रखें, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका क्वेश्चन था कि पॉपकॉर्न्स या ये सारी चीजें ले सकते हैं? आप रोस्टेड चना ले सकते हो स्नैक्स में, आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के ले सकते हो चना। और मैंने बहुत सारे स्नैक्स की लिस्ट भी शेयर की थी जो आप सर्दियों में ले सकते हो। आप उनमें से कोई भी एक स्नैक लिमिटेड यूज कर ले सकते हो अपनी रूटीन में। हाँ, कैफीन के लिए किसी ने पूछा था, तो बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, ग्रीन टी, हर्बल टी वेट लॉस के चक्कर में ना डालें, आपके शरीर में गर्मी भी पड़ सकती है। तो आपने क्या करना है, 2 कप्स या 3 कप्स आप उससे ज्यादा मत इंक्लूड करें। मींस 2 कप कैफीन, चाय, कॉफी या ग्रीन टी, तीनों में से कोई भी 2 कप ही लेना है आपको, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा आपको क्या करना है,
जो हर्बल टी है वो आप एक टाइम ले सकते हो, किसी भी मील के साथ कभी भी चाय कॉफी ना ले। मैं अपनी फोटो जरूर डालती हूँ बट 10 से 15 मिनट का मेरा गैप रहता है। सो हमेशा ये याद रखें कि आपको क्या करना है, चाय कॉफी कुछ भी लेनी है तो 10 से 15 मिनट का गैप रखें क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। मैम हाई प्रोटीन डाइट से फैट लॉस होगा विदाउट एक्सरसाइज? अगर आप करोगे तो बाउंस बैक तो आएगा ही, विदाउट एक्सरसाइज बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेक श्योर थोड़ा बहुत कार्ब्स, अगर आप कार्ब्स लाइफ टाइम बंद करने वाले हो तो वो डाइट आप फॉलो करो। प्रोटीन अगर आपने सिर्फ लाइफ टाइम लेना है, कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेनी है, तो हाई प्रोटीन डाइट इज गुड फॉर यू। अब जैसे मुझे पता है हाई प्रोटीन डाइट से मेरा बहुत अच्छा फैट लॉस हो जाएगा, बट मैं लाइफ टाइम हाई प्रोटीन डाइट पे नहीं रहने वाली हूँ। ओके सो अगर आप लोग जो वही डाइट फॉलो करो या वही एक्सरसाइज फॉलो करो जो आप लोग कंसिस्टेंट रह सको, लाइफ टाइम उसको फॉलो कर सको, तो वही चीजें आपको फॉलो करनी है। मेरा वेट 101 किलो है। ओके आपका वेट 101 है, तो आप मेरी कोई भी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे प्लान्स शेयर किए हुए हैं, तो यू कैन फॉलो एनी प्लान। और इसके अलावा मैम प्लीज हेल्प मी वेट लॉस करना, वेट लॉस के लिए मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप मेरी कोई भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे भेजा भी है, और जैसे कुछ लोगों की फैमिली अलो नहीं करती तो वो मुझे ही भेजते हैं बस, तो जिनका पॉसिबल है मैं उनका जल्दी ही अपलोड करूंगी, बहुत सारी फोटोज मेरे पास अभी हैं। एक्सरसाइज मुझे पूछा था किसी ने कौन कौन सी करनी चाहिए। आप लोग जैसे फर्स्ट मंथ है तो आप थोड़ा बहुत कार्डियो जैसे कि 10,000 स्टेप्स कर सकते हो, योगा कर सकते हो, बट धीरे धीरे उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी क्योंकि उससे आपका मसल मास अच्छा होगा, बॉडी अच्छे टोनिंग में आएगी। किसी ने पूछा था मुझे क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो क्रेविंग्स के लिए मैं क्या करूं? क्रेविंग्स अगर आपको बहुत ज्यादा होती, बीच में कॉल आ गया था, प्रोटीन का इंटेक आप लोग बढ़ाइए, उससे आपकी क्रेविंग्स काफी हद तक कंट्रोल में आएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स को बंद मत करो, वो आपको एनर्जी देने वाला है, मॉडरेशन में लेना शुरू कीजिए। मैंने वेट लॉस किया था, किसी ने पूछा था मेरे से, उसके बाद मैंने फिर बढ़ाया, फिर लॉस किया, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत डाउन चला गया, तो कभी ये गलती मत करो, वेट बढ़ाओ लॉस करो, लॉस करो बढ़ाओ, लॉस करो बढ़ाओ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो खा पी के मतलब खाते पीते रहो, ठीक है, या फिर वेट लॉस जर्नी पे हो तो उस पर कंसिस्टेंट रहो और उसको जाके मेंटेन रखो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हार्मोन इंबैलेंस, पीरियड्स इरेगुलर, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी सिचुएशंस आने वाली हैं। इवन स्नैक टाइम इज डिफिकल्ट टू मेक कंट्रोल, प्लीज सुजेस्ट मेक श्योर आपके पूरे दिन का अगर प्रोटीन अच्छा होगा, प्रोटीन इंटेक अच्छा है, बैलेंस डाइट ले रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए स्नैक टाइम भी कुछ मुश्किल नहीं है। एक जो माइंडसेट होता है ना, उसको करना बहुत जरूरी है। जब तक आप माइंडसेट नहीं करोगे तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। वीडियोस को देख के या कोई प्लान को आप देखते हो तो उसको फॉलो भी करो, उस पर कंसिस्टेंट रहो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ आप उसको देख ही रहे हो, सुन के उसको बंद कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको अपनी लाइफस्टाइल में लाना शुरू करो, अपने घर की हैबिट्स को चेंज करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपनी जो चीजें हैं जो आप डेली खाते पीते हो, बिस्किट नमकीन फ्रस्ट, उसको घर से लाना बंद कर दो। आप उसकी जगह मखाने, चने, ड्राई फ्रूट्स, पीनट बटर, पीनट्स रखो, इसके अलावा सीड्स रखो, ऐसी चीजों को लाना शुरू करो। चीला बनाओ, सैंडविचेस बनाओ, पोहा बनाओ, उपमा बनाओ, अलग अलग वे से बनाना शुरू करो, उसमें खूब सारी सब्जियां, उसमें प्रोटीन, ये सारी चीजों को इंक्लूड करो। ऑब्वियसली आपका वेट लॉस होगा यार, बट कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि 6 दिन प्लान को फॉलो करके 7वें दिन आप संडे पूरे छुट्टियां मना रहे हो तो उसे वेट लॉस नहीं होने वाला। ये चीजें मेंटेनेंस में जाके होती हैं। जब आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, दिल से प्लान को फॉलो करना पड़ता है। कुछ दिल है कर खाने का तो उसको घर पे बनाओ, तो उसको खाओ आप लोग, तो जाके वेट लॉस होता है। माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। ओके जी, नहीं रात को कड़ी चावल नहीं खा सकते हो आप। एंड और क्वेश्चंस थे आप लोगों के, ग्रीन जूस को इंक्लूड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स ग्रीन जूस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। यू कैन ऐड घिया, थोड़ा बहुत करेला, थोड़ा बहुत पालक के पत्ते हैं, इसके अलावा धनिया, पुदीना यू कैन ऐड, इसके अलावा लौकी, कुकुम्बर, ये सारे चीजों को मिला के सुबह उठ के एक गिलास पानी पीने के बाद, आफ्टर फ्रेशन अप के बाद ग्रीन जूस का लीजिए, या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक 11 से 12 बजे के बीच में आप लोग जरूर इंक्लूड कीजिए। सो चाय कॉफी आप लोग पी सकते हो स्टीविया ऐड करके। ऑलमोस्ट मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। आपको मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए थे। अगर आपके फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट सेशन हम लोग जरूर लेंगे, और अगर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही बने रहे, मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप कस्टमाइज प्लान में एनरोल करना चाहते हो, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अपने रूटीन्स, अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स को जरूर चेंज कीजिए। ओके, बाय बाय।